राम मंदिर का हमको गार्डन ग्रुप में से प्रोजेक्ट मिला है, और इसके लिए हमारे पास जगह बहुत छोटी थी, तो इसके लिए हमारे मोहल्ले के प्रमुख है जो आसिफ भाई, उन्होंने हमको बोला कि मेरे पास बड़ी जगह है, आप उसके अंदर काम करो। और ये राम मंदिर चारों साइड से सेम बनता हुआ नज़र आए, इसलिए हमको बड़ी जगह मिली और चारों साइड से कामगिरी चालू थी। उसमें बारीक बारीक डिजाइन भी थी और उसमें बहुत समय भी गया हमारा। कितने टाइम में ये बनाया गया है और क्या कुछ खासियत है इसकी? ये 10 दिन में कंप्लीट हो जाने वाला है। अभी हमारे को ये 7वां दिन है, रात दिन एक करके हमने ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया है। आप सब जान रहे हो कि गणेश उत्सव, ये सूरत जो नगरी है वो उत्सव की नगरी है। ये नगरी के अंदर हर एक उत्सव रंगे चंगे और मौज शौक से होता है, लेकिन इस टाइम कोविड पेंडेमिक को ध्यान में लेके गवर्नमेंट ने थोड़ी सी गाइडलाइन दी है और अपने को भी ध्यान रखना है, तो कोविड पेंडेमिक को ध्यान में लेकर इस टाइम हमने एक भारत को जो नई आज़ादी मिली है उसको एक थीम बेस पे रेडी किया है गार्डन ग्रुप। हर साल कुछ ना कुछ समाज को अच्छा संदेश मिले वो गणेश जी के माध्यम से थीम बेस पे गणेश उत्सव कर रहे हैं, तो इस टाइम राम मंदिर जो है भारत की एक नई आज़ादी उस वो कॉन्सेप्ट पे गणेश जी का स्थापन किया है हमने। और जो राम मंदिर है, जो भगवान श्री राम का मंदिर है, लेकिन सूरत के जो मुस्लिम लोग हैं, जो आर्टिस्ट लोग हैं, वो राम मंदिर बना रहे हैं।